of today's occasion is Director of Higher Education, Professor Dr. Yasmina Ashai Ma'am. Ma'am, we are highly grateful and honored to have you here with us today. Thank you very much for accepting our invitation. Next, our guest of honor is Dr. Deepa Samar, Dean Academic Affairs, Cluster University. Thank you, ma'am, for gracing the occasion. Worthy Director of Colleges, इंशाल्लाह इस साल भी हमने एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ स्पोर्ट्स कैलेंडर भी फ्रेम किया है और उसमें जो भी एक्टिविटीज़ है वो हम थ्रू आउट ईयर जो है उनको फॉलो करेंगे। हम बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जिसमें बैडमिंटन रोलिंग ट्रॉफी टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, टेबल टेनिस टूर्नामेंट, कैरम टूर्नामेंट, चेस टूर्नामेंट वो हमने ऑर्गेनाइज़ किए और इंशाल्लाह इस साल भी वो सारे टूर्नामेंट्स हम अपने मुकर्रर वक्त पे ऑर्गेनाइज इस कॉलेज में करेंगे। उसके साथ साथ हमारे स्टूडेंट जो है वो सारी बाकी जो हमारी गेम्स है उनमें भी काफ़ी उनका अहम रोल रहता है और वो उनको उनकी भी उनकी काफ़ी कोचिंग कंटिन्यूसली यहाँ चलती रहती है और हम उनको हर एक स्टूडेंट को ये मोटिवेट करते हैं वो कि वो किसी न किसी स्पोर्ट में हिस्सा ले लें। गेम्स को अब यहाँ पर और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्या लास्ट ईयर की तरह कुछ और नई गेम्स जो है आज स्टूडेंट्स में इंट्रोड्यूस की जाएगी? जी हाँ, हमने स्पोर्ट्स जो है ये इंसान की ज़िंदगी का एक अहम जो या इंटेग्रल पार्ट जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसमें एक एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इंसान के लिए सिर्फ मेंटल फिटनेस ही ज़रूरी नहीं है लेकिन मेंटल फिटनेस के साथ साथ इंसान का फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इस कॉलेज या जहाँ तक एजुकेशनल सिस्टम का ताल्लुक है हमारा फोकस होता है ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ क्लासेस में पढ़ाई से ही नहीं होता है, उसके लिए हमें स्टूडेंट्स को तैयार करना है कि वो पढ़ाई के साथ साथ और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनमें भी पार्टिसिपेट करें और उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स का एक बहुत ही अहम मकाम है। तो जो अब हम NEP 2020 हमने इम्प्लीमेंट किया है तो उसमें भी स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी तवज्जो दिया गया है और उसमें हम अब स्पोर्ट्स सिर्फ प्रैक्टिकली जो है ग्राउंड पे या इंडोर इन स्टेडियम्स में नहीं खेलते हैं बल्कि अब हम स्पोर्ट्स बच्चों को पढ़ाते भी है कि फ़िज़िकल फिटनेस और वेलनेस कितना ज़रूरी है और वो सब्जेक्ट जो है एक वैल्यू एडिड कोर्स है और कंपलसरी है हर स्टूडेंट के लिए ताकि उसको ये एहसास हो जाए कि पढ़ाई के साथ साथ उनको फ़िज़िकल फिटनेस में भी कितना ध्यान देना चाहिए। देखिए मैसेज तो ये रहेगी कि हमारी जो लड़कियां हैं इन एडिशन टू एकेडमिक्स वो स्पोर्ट्स में बहुत एक्सेल करती हैं। आपने सुना होगा प्रिंसिपल साहिबा ने पूरी आपको स्पोर्ट्स कैलेंडर सुनाया कि हमारी लड़कियों ने लास्ट ईयर कहां कहां पार्टिसिपेट करके एक्सेल किया है। पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंटर कॉलेज है, इंटर यूनिवर्सिटी है। हमारी बच्चियाँ जो हैं वो स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर खेलती हैं और आज तो ये इंटर कॉलेज वुमेन बैडमिंटन चैम्पियनशिप है, इसमें 18 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है अक्रॉस यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर और अभी फाइनल हो रहा है वुमेन्स कॉलेज नवाकदल और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड। यही कि कितना इंपॉर्टेंट है कि एक साउंड बॉडी में मेंटल हेल्थ भी नॉर्मल होना चाहिए और फिज़िकल बॉडी भी नॉर्मल होनी चाहिए। और बच्चियाँ जो हैं आप देखिए अब वो ज़माना नहीं है, हालांकि पहले भी नहीं था। मैं अपनी बात बोलूं, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी, बहुत स्पोर्ट्स पार्ट हम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे लेकिन आज बहुत अवेयरनेस है और बच्चियां बहुत हर एक लेवल पे कम्पीट करती हैं। आप जी पढ़ाई तो है, आपका करियर आपको परस्यू करना है, आपका पैशन जो होगा किसकी जो हॉबी है वो करना, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स आता है। को करिकुलर में डिबेट, सिम्पोजियम्स, डिस्कशंस आते हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर में स्पोर्ट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने आपको कहा नॉट सिर्फ एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज कि मेरी फिजिकल बॉडी साउंड होनी चाहिए, मेरी मेंटल हेल्थ नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन अदरवाइज बिकॉज बहुत सी लड़कियों का शौक है, उनका पैशन है स्पोर्ट्स में एक्सेल करना।